नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का फटाफट खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपदा समुत्थानशील अवसंरचना के 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आपका बहुत स्वागत है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दृष्टि से बना है। आपस में जुड़े विश्व में आपदा का प्रभाव केवल स्थानीय ही नहीं होगा, एक क्षेत्र पर आपदा का पूरी तरह से अलग क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लचीलापन दो आपदाओं के बीच के समय में बनाया गया है। पिछली आपदाओं का अध्ययन करना और उनसे सीखना एक तरीका है और CDRI इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मेलन भी उत्साहजनक है कि इसमें केवल सरकार की शामिल नहीं है, जबकि वैश्विक संस्थान, इसी के साथ ही डोमेन विशेषज्ञ और निजी क्षेत्र मिलकर इसमें भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी मामले को लेकर बीजेपी को घेरा है। दरअसल अब राहुल ने पूछा है कि अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि बीजेपी कह रही है कि आप न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं, तो इस पर पलटवार करते हुए राहुल ने कहा कि हर बार आप वही बात क्यों कर रहे हैं जो बीजेपी कह रही है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, इसको उनका जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सूरत की सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके साथ ही राहुल को जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उसी सजा के खिलाफ याचिका पर 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हुगली के रिसड़ा में बीती रात फिर विवाद हो गया रेलवे स्टेशन के बाहर। आपको बता दें कि उपद्रवियों की सुरक्षा बल से झड़प हो गई। रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर रात 10 बजे से ट्रेनें रुकी हुई हैं। LC गेट बंद नहीं होने से हावड़ा बंदेल रूट बाधित हो चुका है। ईस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मिरोन के मुताबिक, आपको बता दें कि रिश्वा रेलवे स्टेशन पर पथराव की घटना हुई। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए हावड़ा बर्धमान मेन लाइन पर सभी लोकल और मेन एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। फतेहपुर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान बेड पर पड़ी चादर और गंदे पर्दे देखकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए, आपको बता दें कि दोबारा निरीक्षण करने आने पर कहा कि अगर इस तरह की अव्यवस्था मिले तो कार्रवाई तय है। डिप्टी CM ने प्रोटोकॉल तोड़कर एक दिन पहले ही जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए थे। रायबरेली के तौधकपुर थाना लालगंज में एक गरीब परिवार अपने पूरे परिवार के साथ पीढ़ियों से पुश्तैनी मकान में निवास करता चला आ रहा है। पीड़ित परिवार MP के इंदौर शहर में कुछ समय से परिवार के पालन पोषण के लिए रह रहा था। जब पीड़ित परिवार अपने पैतृक घर आया तो उसने देखा कि उसके घर पर स्थानीय बीजेपी नेता मनीष त्रिवेदी द्वारा अवैध रूप से घर पर कब्जा करते हुए ताला लगा दिया गया। जब पीड़ित ने दबंग बीजेपी नेता मनीष त्रिवेदी से अवैध कब्जेदारी को लेकर अपनी बात रखी तो बीजेपी नेता द्वारा घर छोड़कर भाग जाने और जान से मारने की धमकी दी गई। अब पीड़ित परिवार छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ अपना सामान लेकर उच्च अधिकारियों की चौखट के चक्कर काट रहा है। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर कार्यालय कार्यशाला प्रांगण में विकास गोष्ठी, प्रतिभा सम्मान एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रस्ताव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहारनपुर क्षेत्र के परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग लिया गया। कार्यक्रम को भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाकांत सचान, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, महामंत्री सत्यनारायण यादव आदि ने भी संबोधित किया। झांसी से चलकर मऊरानीपुर की तरफ जा रही मालगाड़ी मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाली थी कि उससे पहले ही एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे कि महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस के द्वारा महिला के शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। तो वहीं घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई तो बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए। नगर के जैन समाज के बड़े मंदिर से भगवान श्री महावीर स्वामी जी की जैन समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पुलिस चौकी मेन चौराहे होते हुए बस स्टैंड पहुंच गई। आपको बता दें कि वहां से होते हुए मंच होते हुए बाजार के जैन मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना करके वापस बड़े मंदिर पर शोभा यात्रा संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भगवान श्री विमान में विराजमान थे। विमान को जैन समाज के पुरुष लोग अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे। भगवान महावीर स्वामी का जगह जगह पर तिलक हुआ। इटावा में दूध का व्यापार करने वाले 22 वर्षीय युवक ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। युवक ने आपको बता दें कि SC ST एक्ट के फर्जी मुकदमे से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। दीपावली पर दूध न देने पर हुए विवाद के बाद दलित युवक ने SC ST एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा लिखे जाने के बाद परेशान युवक ने कोर्ट से तारीख से लौटकर आने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने में जुटी हुई है। झांसी के गांव पटगुआ स्थित
सुखनई नदी में आपको बता दें कि उसके ऊपर बना पुल 3 साल से टूटा पड़ा होने से आने जाने में राहगीरों बच्चों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में पठगुवा में विशाल किसान पंचायत हुई, जिसमें मूलभूत समस्याओं को लेकर किसान खूब गरजे। जिम्मेदारों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समस्याओं का निराकरण कराने के लिए आंदोलन की घोषणा की गई। झांसी में नगर निगम द्वारा सफाई मित्रों के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर डिक्शनरी, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र भेंट कर उनका स्वागत उत्साहवर्धन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आपको बता दें कि उपस्थित नगर आयुक्त पुलकित गर्ग जी ने यह कहा कि नगर निगम झांसी का सफाई मित्रों सहित तो सभी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं। इन बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से दीनदयाल सभागार में यह भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तमाम छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। भगवान महावीर जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभात फेरी, विशाल रथ यात्रा, दीपोत्सव और भजन संध्या आदि के कार्यक्रम संपन्न कराए गए। श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जैन और महामंत्री कमल जैन के संयुक्त नेतृत्व में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और वर्तमान जिनशासन नायक भगवान महावीर स्वामी का 2622वां जन्म कल्याण महामहोत्सव जन्म जयंती संपूर्ण भारत वर्ष में धूमधाम से मनाई गई। रायबरेली उच्चहार करीब एक दशक से चल रहे जमीनी विवाद में एक युवक को चौराहे पर गोली मारकर हत्या करती गई। घटना के बाद पूरे चौराहे पर दहशत फैल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने युवक को जगतपुर सीएससी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला कोतवाली क्षेत्र के गांव बाबा का पूर्वा का है। गांव के रहने वाले चमनलाल लोधी का करीब एक दशक से अपने पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। चमनलाल भवन निर्माण में शटरिंग लगाने का काम करता था। देर शाम वो काम से वापस लौटते समय 3 लोगों ने उसे गोली मार दी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंचे कोतवाल ने उसे जगतपुर सीएससी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलीगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना सासनी गेट पुलिस ने माफिया के चल संपत्ति जब्त कर ली। आमिर पुत्र दिलशाद निवासी थाना दिल्ली गेट के लगभग 1.5 करोड़ की अवैध चल संपत्ति की जब्त की गई है। इसके साथ ही 3 कार और 2 दुपहिया वाहनों को अलीगढ़ पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ जिले के तमाम थानों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अमेठी में अज्ञात कारणों से परेशान पुलिसकर्मी ने जहर खा लिया। जहर खाने वाले सिपाही रंजीत यादव थाना मुंशीगंज में तैनात है। सूचना पर पहुंचे परिजन आनंद फानंद में उसे लेकर सीएचसी अमेठी पहुंचे। अमेठी सीएचसी से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। कासगंज के गंज डुंडवारा कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में अज्ञात चोरों ने 2 बड़ी चोरी को घटनाओं को अंजाम दिया। आपको बता दें कि यहां पर नगर के मोहल्ला काछियान से अज्ञात चोर विद्युत विभाग का 400 केवी ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए। तो वहीं कोतवाली क्षेत्र के बहुटा गांव में स्थित तंबाकू गोदाम से अज्ञात चोर तंबाकू, सोलर प्लेट, इसी के साथ ही कांटा सहित लगभग 5 लाख रुपए की चोरी करके फरार हो गए। संभल जिले में स्वास्थ्य महकमे का फॉरेंसिस्ट सपा विधायक के समक्ष नतमस्तक हुआ है। सरकारी अस्पताल के फार्मासिस्ट ने सपा विधायक के पैर छुए हैं। सरकारी कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से विधायक के पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएचसी प्रभारी ने फार्मासिस्ट को कारण बताओ नोटिस देने की बात कही है। फिरोजाबाद एसओजी टीम और इसी के साथ ही थाना सिरसागंज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 9 किलो चरस के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई चरस की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए चारों तस्करों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये चारों व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी किया करते थे। सहारनपुर में विवाहिता की मौत पर जबरदस्त हंगामा हुआ। महिला के ससुराल पक्ष के लोग महिला की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम करवाने का विरोध कर रहे थे, तो वही महिला के मायके पक्ष के लोग ससुराल पक्ष के लोग पर महिला की हत्या का आरोप लगा रहे थे। आपको बता दें कि सहारनपुर थाना कुतुबशेर क्षेत्र के मानकमऊ में शमीमा पत्नी गुलजार का शव घर में ही फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला था। गरोचा को महामहिम राष्ट्रपति के नाम कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर अडानी संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्रधानमंत्री जी से दिलाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने से नाराज कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया और नारेबाजी की। कार्यक्रम में पहले सचिव राम भरोसे पेंटर, पूर्व नगर अध्यक्ष गरोठा राजेंद्र सोनी ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना लोकतंत्र की हत्या बताया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे रायबरेली। रायबरेली पहुंचते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने उनका पुष्पमाला भेंट कर पार्टी के मुखिया का जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद पार्टी के मुखिया सचेतक उचाहर विधानसभा से विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने कार्यक्रम में शिरकत होने ग्राम टिकट्ठा मुसल्ले में पुर थाना जगतपुर पहुंचे, जहां पर मनोज कुमार पांडे मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी और विधायक उचाहर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत पुष्पमाला कर
उन्हें भेज दिया। संभल में प्रशासन के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोला है। आवारा पशु फसल मुआवजा सहित तो तमाम मांगों को लेकर किसानों ने पैदल मार्च निकाला है, तो वहीं एसडीएम दफ्तर पर धरना दिया है। किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो ईद के बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा, चाहे उन्हें सलाखों के पीछे ही क्यों ना जाना पड़े। गोरखपुर में निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी होने के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मेयर पद सामान्य होने के बाद जहां ज्यादातर पार्टियां ब्राह्मण मतदाता पर अपना दांव लगाने की फिराक में है, तो वहीं भाजपा की प्रमुख सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने भी निकाय चुनाव में अपना भाग्य और ताकत आजमाने की ठान ली है। इसके लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद के नेतृत्व में एनएक्सी भवन में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय हुआ कि पार्टी जातिगत बहुलता के आधार पर वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन देखकर आजकल के गार्जियन कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और इस उम्र में ही मोबाइल चला रहा है। ये देखकर कुछ अभिभावक खुश होते हैं और दूसरों को भी अपने बच्चों की इस एक्टिविटी को बताने में उन्हें गौरवान्वित महसूस होता है। लेकिन आपको बता दें कि ये बेहद खतरनाक है। एक रिसर्च के अनुसार मोबाइल की ज्यादा लत बच्चों को वर्चुअलाइज ऑटिज्म का शिकार बना रही है। जी हाँ, ये दावा है। सेंट एंड्रयूज कॉलेज में 2 से 5 वर्ष तक के 350 बच्चों पर हुए अध्ययन में सामने आई है। आपको बता दें कि इस बारे में जिला अस्पताल के मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर अमित कुमार शाही ने कहा कि वर्चुअल ऑटिज्म से बचाव का एकमात्र रास्ता बच्चों के साथ समय बिताना है। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।